चिकन का मजा आ गया। अभी पूरा बनाया नहीं, अभी बस एक एक बना के टेस्ट करके देख रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सबको स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हो लोग, सब मस्त, सब बढ़िया ना। तो फिलहाल गए अभी टाइम है सुबह के 9:30 और आज मेरा कॉलेज छुट्टी है, आज ऑफिशियली छुट्टी है कॉलेज में। कुछ तो कारण होगा शायद, मुझे पता नहीं है, छुट्टी है इसलिए आज थोड़ा ज्यादा देर तक मैं सो गया था। अभी अभी जस्ट उठा हूँ मैं। चलो फिलहाल चलते हैं। देखो बाहर का हालत, देखो बाहर, देखो बाहर धूप मस्त उठ चुका है और मैरिज हॉल में आज भी कुछ है। अभी लगातार 2-3-4 दिनों से मैरिज हॉल में कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहा है घर के पास में ही। तो फिलहाल चलो मैं फ्रेश हो लेता हूँ। देखो समझ में आ रहा है क्या है, मैं जितने भी इमली लेके आता था कॉलेज से उसका अभी अचार बन चुका है। अभी इसको इसमें डालना है, इसमें पानी है थोड़ा सा, ये धो के रखा है ना, तो इसको पहले साफ करना है, फिर इसमें डालना है, फिर छत पे देके आना है अचार सूखने के लिए। मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखता हूँ कैसा होना है। मस्त बना, मस्त, बहुत मज़ा आया। अभी इसको थोड़ी देर सुखाने देंगे ना और कुछ दिन, उसके बाद और भी मज़ेदार लगेगा खाने में। यह हमारा किचन है, देखो साइज देखो, मैं सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। धूप में ले जाने के लिए हो चुका है तैयार, सीसी में डाल लिया है और ये वाला आके मैं खाऊंगा। अभी इसको देके आते हैं छत पे। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि ये बनाया जाए अचार, लेकिन मम्मी बहुत डांटती है जब मैं खट्टा चीज़ें खाता हूँ ना, मतलब इमली हो जाए या फिर खट्टे जो आम होते हैं, जो कच्चे आम होते हैं, मम्मी बहुत डांटती है। तो फाइनली मम्मी को बहुत बार बोल के बना के फिर बना लिया ये। और अभी भी ये तो पुराना वाला इमली है, अभी भी नया इमली रखा हुआ है जो कल लेके आया हूँ मैं ना, वो रखा हुआ है। तो वो तो मम्मी कुछ करने नहीं देंगी मुझे लग रहा है, लेकिन ये बना चुके हैं, ये खाने में मज़ा आएगा। अभी तो चलो इसको देते हैं धूप में, धूप तो आज काफ़ी ज़्यादा है, आज इस धूप का सदव्यवहार करेंगे। यहाँ पर अचार रखा हुआ है पहले से, यहाँ पर इसको भी रख देता हूँ। अभी चलो नीचे चल के जिसमें बनाए थे ना कढ़ाई में, उस कढ़ाई में जो अवशिष्ट बचा हुआ है, मतलब वो खाने में भी बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। चलो वो खाता हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट भी करता हूँ, सुबह का ब्रेकफास्ट भी हुआ नहीं है मैं, तो वो भी खाता हूँ, ब्रेकफास्ट भी करता हूँ, चाय भी पीता हूँ, सारे एक साथ कर लेता हूँ। चलो नीचे चलते, उससे पहले देखो मस्त हवा चल रहा है, धूप तो है लेकिन हवा भी चल रहा है और आसमान आज कुछ खास नहीं है। ऊपर चढ़ता हूँ फिर दिखाता हूँ, देखो आज कुछ खास नहीं लग रहा है लेकिन आज हवा मस्त चल रहा है। और थोड़े दिन बाद ये आम भी बड़े हो जाएंगे और थोड़ा ज़्यादा, इससे डबल साइज़ का हो जाएगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता ये वाला आम। उसके बाद ये पक भी जाएगा, फिर खाने में मज़ा आएगा। ये आम जो है ये बहुत मीठा होता है, इसीलिए मैं इसको कच्चा नहीं खाता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, इसको पक जाने के बाद खाने में मज़ा है। चलो चलते हैं नीचे। सुबह का मस्त ब्रेकफास्ट सारे एक साथ, इमली अभी नहीं खा सकते क्योंकि चाय है ना, एसिड और चाय का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इमली खाएगा क्या, इमली का अचार? अभी कौन खाता है, अभी नहीं बाद में खाएंगे, मैंने बना के रखा है। चलो अभी ये बहुत सारे खाना है, खाता है कंप्लीट करता हूँ, खत्म। कैफे में कुछ काम नहीं चल रहा, फिल्म चल रहा है मस्त, कल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, आज मस्त फिल्म देख रहे हैं। सुबह बाहर निकल चुका हूँ, आज घर में हमारा एक स्पेशल आइटम बनेगा बाय आवर सेफ सुपुदा। तो उसके लिए हमारा जो यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड के पास में एक मीट शॉप है, वहाँ से चिकन लेने के लिए आया, ताकि फिर से निकलना पड़ रहा है रेशन लाने के लिए और बाबा के दुकान से कुछ सामान लेके आना है। और देखो धूप भी थोड़ा सा कम हो गया है, मैं इतनी बार बाहर जा रहा हूँ इसीलिए धूप भी, सूरज देवता जो है मेरे ऊपर प्रकट। चलो चलते हैं लेके आते हैं इससे पहले कि धूप और ज़्यादा बढ़ जाए। ब्रेड का पैकेट चाहिए था जिसके लिए मेरे घर के आसपास में जितने भी दुकान हैं पूरा घूम लिया, रॉयल्टी मोड़ पूरा छान मार लिया, कहीं पे भी ब्रेड नहीं है। अभी थोड़ा सा आगे चलता हूँ, सुरभि के पास में अगर मिल जाए तो बढ़िया है, ब्रेड चाहिए और ब्रेड ही नहीं मिल रहा है। देखो फाइनली मिला ब्रेड एक दुकान पे, गाइस आज हॉलीडे ना इसीलिए सारे दुकानों पर जो स्टॉक्स आते हैं वो सारे बंद है, इसीलिए किसी दुकान में भी ब्रेड नहीं है। एक दुकान में नहीं है तो सारे दुकान में ख़त्म हो चुका है, इसीलिए क्योंकि स्टॉक्स ही नहीं आए, तो एक दुकान में था अवेलेबल, मिल गया मुझे। अभी चलते हैं घर, फिर धूप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। देखो आज हॉलीडे है, उसके ऊपर कार्डन नहीं है इसीलिए ज़्यादा लोग भी नहीं है, ज़्यादा क्या कुछ भी लोग नहीं है, कस्टमर्स है ही नहीं, कैफे में बैठ के मक्खी उड़ा रहे हैं। चलो कुछ काम नहीं है तो मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, अभी तो गया था रेशन लेने के लिए, रेशन मिला नहीं, शाम को मिलेगा। तो मैं जो आज जो स्पेशल चीज़ बनेगा उसके लिए जो काटने हैं चीज़ें, मैं आंसर हूँ, काटना मेरा काम है तो वो मैं करता हूँ। सुबह ने कुछ करके रखा है, जो प्याज और लहसुन होता है ना वो काट के रखा है, बाकी का काम मैं करता हूँ कम्प्लीट।
इमली खाते खाते सैंडविच बनाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आज फिर से सैंडविच बना रहा हूँ, लेकिन चिकन के साथ, अंडे के साथ नहीं। ये देखो उससे कैसे मस्त खड़ा हुआ है, बन चुका है चिकन सैंडविच। क्या बना है आज, तो उससे भी बेटर बना है। चिकन में का मज़ा आ गया। अभी पूरा बनाया नहीं, अभी बस एक एक बना के टेस्ट करके देख रहे हैं, शाम को खाएंगे बाकी। लेकिन आज उससे भी बेटर बनाया, लास्ट दिन जो बनाए थे उससे भी बेटर बनाया चिकन का स्टफिंग, मज़ा आ गया खाकर। अभी शाम हो चुका है और मैं छत पे आया हूँ, और आज देखो सूरज क्या लग रहा है, क्या चमक रहा है, देखो मस्त लग रहा है। मम्मी पीछे यहाँ पे कपड़े उठा रही हैं, और मैं तो दोपहर तक, मतलब दोपहर से अभी तक एक फिल्म देख रहा था ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करके, मस्त फिल्म था। एकदम फाइनल टाइम पे जब क्लाइमैक्स सीन होने वाला था तब करंट चला गया, अभी तक करंट नहीं आया है, तो वो सीन मेरा छूट गया, मैं देख ही नहीं पाया। एकदम क्लाइमैक्स टाइम पे चला गया, मतलब यहाँ पे यही दिक्कत है, कुछ भी करने जाओ करंट चला जाता। अभी वेदर मस्त है देखो कैसा, ना तेज़ हवा चल रहा है, ना बारिश हो रहा है, ना बादल आए हैं, ना लाइटनिंग हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन करंट चला गया। यही प्रॉब्लम है इस जगह का, प्रॉब्लम यही है, वो है कि करंट चला जाता है कभी कभी, नहीं हर टाइम करंट चला जाता है, चाहे कौन सा भी महीना हो, कौन सा भी मौसम हो, करंट का ही दिक्कत है। ये देखो आम, हर दिन छत पे आता हूँ, हर दिन आम के पेड़ पे नज़र पड़ता है, हर दिन नया लगता है, इसलिए मैं बार बार दिखाता रहता हूँ। चलो फिलहाल अभी तो 5:30 बज चुका है, मुझे जाना है रेशन दुकान में रेशन लेने के लिए, क्योंकि सुबह गया था मैं तभी वो दुकान खुला नहीं था, शाम को आने के लिए कहते जो अंकल रहते हैं, तो अभी लेके आता। फिलहाल अभी कैफ़े में आ चुका हूँ, रेशन लाना हो गया है, और अभी देख रहे हैं यूट्यूब में ब्लॉग, उसके साथ चिप्स लेके, नेटफ्लिक्स एंड चिल तो नहीं है लेकिन कुछ तो है। उसका एग्ज़ाम कल ख़त्म हो गया है, इसलिए सुबह एक फिल्म चल रहा था, शाम को एक फिल्म चल रहा है। चलो फिलहाल ये देखना स्टार्ट करता हूँ, और उसके साथ चिप्स भी खाते हैं। देखो शाम का खाना आ चुका है, वही जो हम लोग सुबह बना रहे थे चिकन सैंडविच, तो फिलहाल इसको ख़त्म करते हैं। सुबह ही टेस्टी बना था तो अभी भी टेस्टी बना है, बिना खाए भी मैं बता सकता हूँ। तो अभी चलो इसको फिलहाल खाते हैं। आज के लिए फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यही करता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे चलाता हूँ कुछ, यहाँ पे ब्लॉग चलाता हूँ।